तो जय हिंद दोस्तों, आज मेरे पास 20-30 IC का जो है ये बोर्ड है, ऑडियो बोर्ड है, जिसमें दोस्तों ये सारा जो है कनेक्शन करके आपको हम बताने वाले हैं कि आप इसका कनेक्शन अगर नया बोर्ड भी लेते हो या बिल्कुल कनेक्शन आपका टूट जाता है तो कैसे कनेक्शन करोगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। और दोस्तों ये देखिए, ये 20-30 IC का बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है, ठीक है। ये ओल्ड ही है बट कहीं से कुछ ये गंदगी छेरा वगैरह नहीं है, बिल्कुल फ्रेश बोर्ड मुझे लग रहा है, ठीक है। और इसका बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको कनेक्शन करके बताएंगे ताकि आपका अगर तार वगैरह टूट जाता है या कोई बोर्ड लगाना चाहते हो तो कैसे लगाओगे। दोस्तों ये जो भी मेरे पास सामान है ये सारा आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर है, 2 एम्पीयर का है, 12-0-12 ट्रांसफार्मर। ये इधर से आपका AC आएगा और इधर से जो है AC जो है ये 220 वोल्ट आएगा और ये 12-0-12 जो है ट्रांसफार्मर है ना, ये AC जो है आउटपुट देगा इसका, ठीक है। ये 2 स्पीकर हैं, ये ऑडियो बोर्ड है, 3 IC के लिए दोस्तों, 1 बूफर के लिए है और 2 जो है लेफ्ट राइट ऑडियो के लिए, ऑडियो आउटपुट के लिए, स्पीकर के लिए। और ये बूफर है, ठीक है। ये ब्लूटूथ पैनल सब है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारा का जो है हम कनेक्शन करने वाले हैं। ये ब्लूटूथ ये वॉल्यूम है दोस्तों, ये बास का है, ये 100K का है और ये 47K का है। तो दोस्तों इसमें जो है हम कनेक्शन कैसे करेंगे ये जान लो आप। तो देखो दोस्तों, ये सबसे फर्स्ट है दोस्तों कि हम ट्रांसफार्मर को लेके चलते हैं, कनेक्शन कैसे करना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये प्राइमरी हो गया इसका और ये हो गया इसका सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में दोस्तों ये कनेक्शन कहाँ करना होगा ये जान लो पहले आप। तो देखो दोस्तों, ये बोर्ड है, ऑडियो बोर्ड है, तो इसमें ये जानना पड़ेगा दोस्तों कि इसका डायोड कहाँ पे है ना। ये देखिए, ये डायोड है, ये जो दोस्तों ये 4 डायोड है, ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है, ठीक है। तो इसका AC जो आएगा दोस्तों ये एनोड एंड कैथोड पे आएगा। ये जो ट्रांसफार्मर का जो 12-0-12 जो ट्रांसफार्मर लगेगा ये एनोड कैथोड पे आएगा। ये दिखाता हूँ मैं, इसमें जो है ये बीच में 2 पॉइंट जुटा हुआ है, तो इसमें जो है एनोड कैथोड जो है जुटा हुआ है। ये देखिए, एक धाड़ी है, वाइट वाला जो है धाड़ी है, एक विदाउट धाड़ी है ना। तो ये दोनों जो है जुटा हुआ है, तो यहाँ पे जो दोनों का जो है AC का तार हमें फिट कर देना है। तो देखो दोस्तों, ये जो है दोनों साइड वाला, ये दोनों जो येलो है ना, अब बीच वाला इसका ग्राउंड है, ये 12-0 ये 0 कॉमन, ये 12 है ना। चलिए ये जो है हम इसमें कनेक्शन कर देते हैं। अब देखो दोस्तों, ये जो AC में जो है आपका 12-0-12 ट्रांसफार्मर कनेक्शन हो गया, ठीक। अब क्या करना है, ये जो है कॉमन में भी डालना पड़ेगा। तो देखिए, कॉमन कहाँ जाएगा, ग्राउंड, ठीक है। तो इसका देखिए, ये जो आपका ये हो गया, हाँ, इसका जो मेन ग्राउंड है, इसका मेन ग्राउंड ये कंडेंसर का है ना, ये कंडेंसर इस साइड का है ना, इस साइड माइनस है, ये देखिए ना, ये माइनस है। इसका यहाँ पे जो है हमें ये जोड़ देना है। तो चलिए हम इसका कनेक्शन जो है जोड़ देते हैं। तो इसका ट्रैक प्रिंट जो है ये यहाँ आया हुआ है, तो चलिए हम इसी जगह जोड़ देते हैं। ये देखिए, मैंने जोड़ दिया है। अब क्या करना है ये जान लो आप। ये AC का तो कनेक्शन हो गया है, वॉल्यूम का कनेक्शन करते हैं है ना। तो वॉल्यूम कनेक्शन के लिए क्या है, ये बास है, ये क्या है, ये बास है और ये जो है वॉल्यूम है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या है कि हम ये बास का जो ये बूफर है इसका कनेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका कनेक्शन कहाँ करेंगे ये जान लो अब। तो ये 3 IC है, 20-30, 20-30, 20-30, ये 3 IC है। और इस IC में आपको पता होना चाहिए कि इसका जो है आउटपुट जो पिन होता है दोस्तों, ठीक है, इसका आउटपुट 4 नंबर होता है। तो ये देखिए, ये 20-30 IC है, तो इधर से गिनेंगे, राइट साइड से जो है, सॉरी लेफ्ट साइड से गिनेंगे, 1-2 है ना। तो इधर इसका 1 हो जाता है, तो ये डायरेक्ट 2 हो जाएगा है ना, फिर ये आगे वाला 3 हो जाएगा और पीछे वाला 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो उसका जो ऑडियो आउटपुट पिन है इसका है ना, इधर से 1 हो गया है ना, इधर से 1 हो गया, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो ये 4 नंबर जो ऑडियो आउटपुट पिन होता है, ऑडियो आउटपुट पिन होता है। तो देखो दोस्तों, इसमें कैसे जाने कि ये बास का जो है कौन सा वायर है ना, ये कौन सा IC है बस का है ना, ये क्योंकि ये 3 IC है, 1, 2, 3 है। तो देखो कैसे जानेंगे, देखिए ये 4 नंबर से यहाँ से आ गया, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा, एक साथ PF लगा होगा, नहीं 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 2 रेजिस्टेंस लग के जो यहाँ आ गया
है ना, ये यहाँ पे आ गया है। चलिए अब ये इसका चार नंबर देखते हैं। तो इसका चार नंबर यहाँ से आया, एक क्या आया यहाँ से, एक जम्पर लगा, ये देखिए है ना, ये जम्पर लगा है। और ये जम्पर लग के जो है यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ आ गया है। तो देखो दोस्तों, ये जो है आपका दोनों जो एक साथ है, तो इसका जब दोनों एक साथ है, इसका भी कनेक्शन और इसका भी कनेक्शन, आउटपुट जो है एक साथ है, तो ये जान लो दोस्तों ये स्पीकर का होगा। ये क्या हो जाएगा, होगा इसका ये स्पीकर होगा और ये अलग होगा। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इसका चार नंबर ये है ना, ये चार नंबर है। तो इसका चार नंबर कनेक्शन कैसे गया है, ये देखिए इसका एक चार नंबर यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से एक जो है ये क्या लगा है, रेजिस्टेंस लग के, रेजिस्टेंस लग के यहाँ आ गया, ये आ गया है दो नंबर पे। चलिए इधर नहीं जाना है, यहाँ देखते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या लगा है आपको, एक पीएफ लगा, ये देखिए एक पीएफ लगा है और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लग के ग्राउंड हो गया। इधर भी नहीं जाना है मेरे को, ठीक। देखिए यहाँ से क्या लगा, यहाँ से लगा है शायद रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक जम्पर लगा हुआ है ना, ये देखिए एक जम्पर लगा हुआ है, यहाँ से एक जम्पर लगा हुआ और यहाँ से आ गया यहाँ पे, है ना। तो देखो दोस्तों, आप ये जो चार नंबर है दोस्तों, ये बूफर का है, ये अलग है, यहाँ पे आप डाल सकते हो। आप यहाँ नहीं दोस्तों, यहाँ भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये जम्पर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब यहाँ चलिए, यहाँ जगह दिया हुआ है तो यहाँ ही डाल देते हैं बूफर का, ठीक है। और यहाँ एक डालना है और एक ग्राउंड दे देना है। तो ग्राउंड दोस्तों आप कहीं से भी दे सकते हो, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए ग्राउंड आप यहाँ से भी दे सकते हो, है ना, यहाँ भी आप सोल्डिंग कर सकते हो। तो चलिए हम बूफर का जो कनेक्शन कर देते हैं, तो दोस्तों ये बूफर का एक जो है माइनस में हो गया ग्राउंड में, है ना। देखिए ये जो है कंडेंसर का ग्राउंड है, तो चलिए इसी ग्राउंड में दे दिए हैं। और ये जो है बूफर का तार दे दिए। चलिए बूफर का तो हो गया, अब बूफर कनेक्शन कर दिए, तो इसको वॉल्यूम का भी तो कनेक्शन लगेगा ना, क्योंकि वॉल्यूम कंट्रोल करेगा बूफर को कम बेस करने के लिए। तो देखिए बूफर का जो है ये वायर कौन सा है, ये वायर है ना, ये वायर है यहाँ पे। तो चलिए इसमें तीन वायर है, कौन सा, ब्लू ग्रीन वाइट। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन सा ब्लू ग्रीन वाइट है। ये हो गया तीन गो तार, ये ब्लू ग्रीन वाइट है ना। तो चलिए अब ये देखेंगे दोस्तों कि इसका बास का जो है ये सेंटर वाला कौन सा है। तो ग्रीन है, ये सेंटर वाला कौन सा है, ये ग्रीन वायर है, ठीक है, वायर ग्रीन है। तो चलिए वायर ग्रीन है, तो चलिए आप बूफर कनेक्शन कहाँ ले गया ये समझते हैं, है ना। तो देखो ये जो जहाँ जिस आईसी से बूफर का कनेक्शन निकला है, ये मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। देखिए जिस आईसी से बूफर का कनेक्शन निकला है, इसका बूफर कनेक्शन तार लगा हुआ है, उसी आईसी से जो है बूफर का वॉल्यूम का कनेक्शन होगा, इतना जान लेना आप। तो देखो दोस्तों, इसका जो है इनपुट, ऑडियो इनपुट जो है ये एक दो होता है, और मेन कनेक्शन जो है वॉल्यूम का एक नंबर से जाता है। आपको दिखाते हैं, ये हो गया बूफर कनेक्शन आईसी, है ना, क्योंकि दोस्तों ये बूफर का वायर यहाँ लगा हुआ है ना। तो देखो अब बूफर का ये आईसी हो गया, 20-30 आईसी हो गया, तो एक नंबर से क्या क्या लगा है ये देख लो आप। देखिए एक नंबर से यहाँ क्या लगा हुआ है, देखो दोस्तों, एक जम्पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, एक जम्पर और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। देखिए दोस्तों ये एक यहाँ से क्या लगा है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और एक यहाँ से रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक यहाँ से जम्पर लगा हुआ है। ये देखिए एक रेजिस्टेंस लग के जो है आपको ये बिल्कुल ग्राउंड हो गया है ना, और एक जम्पर लग के यहाँ से बिल्कुल यहाँ से आया और यहाँ आ गया है। ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बास का जो आईसी से दोस्तों पिन निकलेगा है ना, इसका बास का सेंटर में जाएगा, बास का वॉल्यूम का। देखिए ये क्या है, ये ग्रीन वाला सेंटर में जाएगा, ये ग्रीन वाला क्या है, बीच में है, ये देखिए है ना, बीच में ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंटर में जाएगा, सेंटर वाला जो है इसमें आएगा आईसी से डायरेक्ट। यहाँ से आपको समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ से एक जम्पर लगा और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ गया है, ठीक है। तो चलिए हम कनेक्शन कर देते हैं। देखिए ये कनेक्शन मैंने कर दिया है ना, ये देखिए कनेक्शन यहाँ से मैंने कर दिया। आप देखो अब जो है साइड वाला और एक ग्राउंड जाएगा। तो देखो दोस्तों जब यहाँ एक कनेक्शन लगा, ठीक है, अब एक कनेक्शन कहाँ जाएगा, तो देखो अब एक कनेक्शन डायरेक्ट जो है ये जो आईसी है ना, ये देखिए 4558D, इसका एक नंबर कैसे जो गिना जाएगा, यहाँ से कटिंग है, कट यहाँ पर एक नंबर ये हो जाएगा लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8
है ना। तो देखो दोस्तों, बूफर का और एक वायर जो है इसका एक दो, ठीक है, एक दो नंबर से जो है, देखो इसका ये जो है ये साइड, ये जो है कट का ये नीचे वाला एक हो गया, तो यहाँ से जो है एक, है ना, एक दो जो है जॉइंट है पिन, यहाँ से जो है एक कंडेंसर लगा, ये देखो आप, है ना, एक कंडेंसर लगा तो ये जो है यहाँ आ जाएगा। तो जाहिर सी बात, एक बात और भी ध्यान देना दोस्तों कि जहाँ से जो है बूफर का एक कनेक्शन निकलेगा उसी के आसपास में ही जो है सारा कनेक्शन होगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल आप ध्यान ही देना ही, ठीक है। तो चलिए ये जो है ब्लू तार जो है हम साइड में इस जगह कनेक्शन कर देते हैं, उसके बाद और एक वाइट रहा तो एक को ग्राउंड दे देंगे, तो ग्राउंड कहीं से भी दे देंगे आप, ये ग्राउंड है ना, तो ये ग्राउंड यहाँ से दे देंगे। तो चलिए हम कनेक्शन कर देते हैं, जो है बूफर का जो है कनेक्शन सारा हो गया, देखिए ग्राउंड वाइट वाला ग्राउंड में दे दिए हैं, है ना, ये जो मेन माइनस है ना, इसी में जो एक ग्राउंड यहाँ से आया हुआ है तो ये ग्राउंड दे दिए, और ये बीच वाला जो है दोस्तों ये वॉल्यूम बास का बीच वाला जो है ये एक नंबर से आया है, और ये जो साइड वाला जो है आईसी से है एक नंबर से, तो इसका बास का कनेक्शन हो गया है। अब देखो अभी क्या करना है दोस्तों, अब इसका तो कनेक्शन हो गया, अब देखो अब जो स्पीकर, ये जो छोटा वाला जो स्पीकर बजेगा, स्पीकर कैसे बजेगा, तो देखो अब जो है हम इसके लिए ये लेते हैं, है ना, जो होम थिएटर में रहता है। तो चलिए अब देखो, अब क्या है कि इसका एक जो है ब्लू वाला ग्राउंड है माइनस है, और ये लेफ्ट राइट स्पीकर का है ना, इसमें एक आईसी से जो है डबल स्पीकर बजाएगा, ठीक है, और दो आईसी से चार स्पीकर, तो चार को स्पीकर का खटाल दिया, ये दिया हुआ है ना, और ये जो है ये ऑडियो इनपुट हो गया, आई मीन जो ऑक्स केबल ये मोबाइल से बजेगा दोस्तों, ये वाला हो गया, है ना। तो चलिए उसका भी कनेक्शन करके बताएंगे आपको। तो देखो इसका कनेक्शन कहाँ जाएगा, तो देखो इसका कनेक्शन दोस्तों ये चार नंबर से जो आउटपुट निकलता है ऑडियो आउटपुट, है ना, तो देखिए एक तो हो गया, ये तो हो गया दोस्तों ये बूफर का, है ना, तो ये दोनों आईसी हो गया, तो ये दोनों ही आईसी होगा। तो देखो ये चार नंबर से यहाँ से आया, एक यहाँ रेजिस्टेंस लगा, और फिर एक दो रेजिस्टेंस लग के जो है यहाँ आया हुआ है, ठीक है, और इसका चार नंबर से दोस्तों ये जम्पर लग के ये यहाँ आया, ये दो रेजिस्टेंस लग के यहाँ आया हुआ है, तो एक यहाँ इस जगह, एक इस जगह, लेफ्ट राइट इस जगह, और ग्राउंड कहीं से दे देना है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये ग्राउंड का है, ये जो है क्या है, ये ग्राउंड का, तो ग्राउंड यहीं से डाल देते हैं हम। तो इसका देखिए ग्राउंड कौन सा है, ये ब्लू ग्राउंड है ना, तो ब्लू ग्राउंड डाल देते हैं ग्राउंड में, और लेफ्ट राइट कोई किसी में जोड़ दोगे आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये जो है आपका जो है ये ऑडियो का जो आउटपुट जो निकलेगा स्पीकर का, है ना, वो इसमें जोड़ दिया मैंने। अब देखो दोस्तों ये हो गया, अब देखो इसको वॉल्यूम, इसको भी तो कंट्रोल करने के लिए स्पीकर का वॉल्यूम लगेगा ना, तो वॉल्यूम जो है ये देखिए, ये वॉल्यूम का वायर है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये वॉल्यूम का वायर है। तो वॉल्यूम का वायर में देखो अब क्या करना है, ये जो दो इस बीच वाला है ना, ये दोनों का सेंटर है, सेंटर वाला कौन सा है, रेड है और येलो है, और इसका ब्लैक जो है ग्राउंड है, दोनों को कंबाइन कर दिया है, जोड़ दिया है, ये ग्राउंड बना लिया है, और ये जो है ऑरेंज रेड, ये लेफ्ट राइट ऑडियो का है। तो देखो यहाँ से क्या है, ये दोनों लेफ्ट राइट ऑडियो का है। अब देखो दोस्तों ये वॉल्यूम का कहाँ जुड़ेगा, ये देख लो, है ना, ग्राउंड तो ब्लैक ग्राउंड है, ग्राउंड तो कहीं भी जोड़ देंगे, दिक्कत नहीं है, बट ये दोनों कहाँ जुड़ेगा ये जान लो आप। तो देखो ये जो ये दोनों आईसी है ना, ये दोनों आईसी है जो स्पीकर का है, तो इसमें से एक नंबर जो है, ये एक नंबर जो है आईसी, ये आईसी का ये इनपुट पिन होता है ना, तो एक नंबर से जो क्या क्या लगा ये देख लो आप, ये एक नंबर है, एक नंबर से यहाँ से क्या लगा ये देखते हैं, ये पीएफ लगा हुआ है, ठीक है, पीएफ लगा हुआ है, उसके बाद एक नंबर यहाँ से क्या लगा हुआ है, तो ये देखते हैं, ये रेजिस्टेंस लग गया है, ये रेजिस्टेंस लग के यहाँ से फिर क्या लगा है, मतलब कंडेंसर वगैरह लग गया है। तो देखो दोस्तों इधर जो है प्रिंट जो है, देखो सीधी सी बात है, ये जो है एक रेजिस्टेंस लग के ये ग्राउंड हो गया है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लग के ग्राउंड हो गया है। तो अब देखो करना क्या है आपको, यहाँ से एक क्या लगा है पीएफ लगा, यहाँ से एक पीएफ लगा है, फिर देखो यहाँ से क्या लगा है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा है, एक पीएफ लगा, ये देखो दोस्तों यहाँ से एक पीएफ लगा, और यहाँ से फिर एक पीएफ लगा, और एक यहाँ से रेजिस्टेंस लगा है, फिर यहाँ से एक पीएफ लगा है, और ये यहाँ से आके यहाँ आ गया है ना। तो देखो दोस्तों एक तो ऑडियो बीच वाला जो है दोस्तों एक वायर यहाँ आ जाएगा इस जगह,
ठीक है, जब एक तार इस जगह आया है तो दूसरा तार शायद इस जगह आना चाहिए, तो चलिए ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका एक नंबर ये हो गया, यहाँ से एक नंबर ये देखिए एक रेजिस्टेंस लग गया है जो ग्राउंड हो गया है, ये देखिए है ना, एक रेजिस्टेंस यहाँ से लगा है। तो देखो यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगे ग्राउंड हो गया, और यहाँ से एक पीएफ लगा है, यहाँ से एक पीएफ लगा, ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ये पीएफ लगा हुआ है ना, यहाँ से एक पीएफ लगा और यहाँ से एक यहाँ आया। ठीक है, फिर यहाँ से एक पीएफ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आपको दिखाता हूँ मैं, है ना, एक रेजिस्टेंस लग गया है और एक पीएफ लग गया। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस एक पीएफ लग के ये यहाँ आ गया है। तो देखो दोस्तों, ये एक तो यहाँ था, ये पहला आईसी का ये आईसी, और दूसरा आईसी का ये यहाँ आ गया, तो बीच वाला जो है एक यहाँ आ जाना दे देना है, और ये जो है ये वाइट वाला ग्राउंड है, तो ग्राउंड आराम से इस जगह ही दे देना है। ठीक है, तो चलिए हम ग्राउंड और लेफ्ट राइट ऑडियो जो है सोल्डिंग कर देते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो है बिल्कुल सारा जगह जो है इसका हम कनेक्शन कर दिए हैं, तो वॉल्यूम का भी हो गया है और ये सारा का हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये सब का तो हो गया, अब क्या है पैनल का कनेक्शन करना है। ठीक है, तो ये देखिए ब्लूटूथ पैनल है, अब इसमें जो है इसका क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ, ये 5 वोल्ट है ना, ये देखिए ये एक 5 वोल्ट है, एक ग्राउंड है, एक 5 वोल्ट है, एक क्या है ग्राउंड है। तो चलिए, तो देखो दोस्तों, इसका जो है ये किट है ना, इसमें 5 वोल्ट है, ये देखो 7805 है, आईसी लगा हुआ है, ये दिख रहा हुआ है ना। तो इसमें क्या है, देखो दोस्तों, ये जो फर्स्ट है ये 12 वोल्ट है, ये फर्स्ट क्या है, ये 12 वोल्ट है, ये बीच वाला ग्राउंड है, और ये 5 वोल्ट आउटपुट निकलता है इसका। ठीक है, ये 5 वोल्ट निकलता है, 12 वोल्ट को लेता है और 5 वोल्ट बना के निकलता है। तो ये देखिए, तो ये क्या है, ये बीच वाला ग्राउंड है और ये जो है 5 वोल्ट है। तो चलिए हम क्या है, ये रेड वाला जो है 5 वोल्ट यहाँ पर जोड़ देते हैं इस जगह, और ये जो ग्राउंड है ये ग्राउंड ग्राउंड में जोड़ देते हैं। ठीक है, ये देखो दोस्तों, ये जो इसका कनेक्शन हो गया है, अब देखो, अब इस यहाँ से जो है ये ऑडियो का जो है कनेक्शन आएगा। ये देखिए, ये पैनल में जो है ना, लेफ्ट है ना चैनल है और राइट चैनल है, बीच में ग्राउंड है, यानी कि ऑडियो यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये ऑडियो का जो है ये पिन है, इसमें यहाँ डाल देते हैं, ये देखिए, और इसका क्या है बीच वाला, ये क्या है ग्राउंड है, तो ग्राउंड का तार कौन सा है, ये ग्राउंड का तार है, बस ये याद रखना है। उसके बाद आप देखो क्या करना है आपको, ये जो वॉल्यूम है मैं दिखा रहा हूँ, ये जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम को ये ग्राउंड है तो ग्राउंड में क्या करना है, जोड़ देना है आपको, ये देखिए ग्राउंड जोड़ दिए हैं। और इसका जो लेफ्ट राइट ऑडियो जो है, ये जो है इसका साइड वाला पिन में जोड़ देना है, ये देखो आप है ना, ये साइड वाला पिन में आपको जोड़ देनी है, तो ये जो सारा इसका कनेक्शन जो है हो चुका है। अब देखो, और भी 3 तार बचा हुआ है, क्या बचा हुआ, ये देखिए इसका है जो मोबाइल का AUX जो लगता है, मोबाइल का पिन लगता है, मोबाइल से जो बचता है वो है। तो देखो आपको मैं दिखाता हूँ इसका कनेक्शन कैसे करना है, ये देखिए, अब यहाँ से क्या होता है, ये जो है ये ग्राउंड है, ये माइनस होता है, माइनस है, और ये लेफ्ट राइट ऑडियो है। चलिए इसमें हम सोल्डिंग कर देते हैं, ये देखिए ये जो है हो गया कनेक्शन वाइट वाला। ठीक है, तो अब क्या है इसमें जो है, यहाँ देखिए है ना, लाइन इन है ना, ये इनपुट है, ये इन है, यानी कि मोबाइल से इनपुट है इसका, तो ये इन जो है एल इनपुट राइट, और बीच वाला ग्राउंड है। तो चलिए बीच वाला ग्राउंड के कहाँ जोड़ना है, तो चलिए वही वाइट ग्राउंड है, तो वाइट ग्राउंड ग्राउंड में जोड़ देना है, लेफ्ट राइट ऑडियो जो है जैसे था वैसे, मतलब जैसे है आपको जोड़ देना है, ये देखिए कोई किसी में जोड़ देना है, ये उल्टा सीधा नहीं होता है, बस ग्राउंड को सिर्फ ग्राउंड में जोड़ना है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये देखो दोस्तों, ये बिल्कुल हो गया कनेक्शन। चलिए अब क्या है, ये कनेक्शन सारा हो चुका है। ठीक है, अब क्या है, इसमें लाइन दे के देखना है कि ये जल बसता है कि नहीं बसता है। देखिए दोस्तों, ये स्पीकर कनेक्शन नहीं किए हैं, तो चलिए स्पीकर जो है हम इसी में डाल के देख लेते हैं, ये बसता है कि नहीं बसता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है लाइन आ चुका है इसमें, है ना। अब देखो दोस्तों, अब जो है इसका ब्लूटूथ मोड चेंज करते हैं और इससे कनेक्ट करते हैं और स्पीकर बजा कर देखते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो है हमारे पास ये स्पीकर है, चलिए हम इसको इस जगह रखते हैं और फिर बजा के हम देखते हैं कि ये बज रहा है कि नहीं बज रहा है। देखिए ये जो है बज रहा है, चलिए हम बेस को थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये थरथरा रहा है। चलिए अब इसमें हम डाल के देखते हैं कि बजता है कि नहीं बजता है।
देखिए दोस्तों ये बज रहा है, चलिए इस चैनल पे देखते हैं। देखिए दोस्तों इसमें बज रहा है, चलिए हम इस साइड बजा कर देख लेते हैं, ये भी बज रहा है दोस्तों। तो देखो दोस्तों ये बिल्कुल काम कर रहा है। देखिए दोस्तों ये वॉल्यूम से कम की तो आवाज़ भी कम हो गया, ठीक है, तो बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है ना। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो इस तरह का कनेक्शन का जो वायरिंग होता है, ठीक है, कैसे किया जाता है। तो आशा करते हैं कि जो भी आपको बताएं आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।